that is mellitus, and today I will tell you about the introduction, symptoms, types, causes, and treatments of the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a group of metabolic disease. Then metabolism kya hota hai? Metabolism is the chemical process which occurs in our body to maintain our life. Okay? Okay, insulin converts glucose into glycogen. So glucose जो होता है ये glycogen के रूप में हमारे body में store हो जाता है. And insulin secretes by the beta cell of the Langerhans. This is the Langerhans. Pancreas have two type of cells, Langerhans and Dr. Eosinophil. And beta cells present in the center of Langerhans. बीटा सेल को हम ऐसे देख सकते हैं, बीटा इट मींस बी एंड बी मींस ब्यूटीफुल लेडीज. ओके, दिस इज द साइट ऑफ अट्रैक्शन. एंड अल्फा सेल इज लाइक अ माचो मैन. एंड अल्फा सेल्स प्रेजेंट सराउंडिंग द बीटा सेल. एंड डेल्टा सेल लाइक अ डॉग प्रेजेंट एनीवेयर. दे कैन प्रेजेंट एनीवेयर, प्रेजेंट साइड द अल्फा सेल्स, साइड द बीटा सेल्स. ओके, तो बीटा सेल्स सिक्रेट्स द इंसुलिन एंड इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. एंड दिस इज द केमिकल प्रोसेस. दिस इज द केमिकल प्रोसेस. एंड डायबिटीज मेलाइटस इज द मेटाबॉलिक डिजीज. इट मींस समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग in the metabolism of our body. So what is the metabolism? Metabolism is the chemical process. This is the chemical process when insulin jab kam secrete hoga ya reduced ho jayega iska secretion, then glucose glycogen mein kam convert hoga. And jab glucose glycogen mein kam convert hoga to glucose kya hoga, zyada ho jayega. और जब when glucose increases in our body, then what will be happen? Diabetes mellitus. Okay, तो insulin glucose कम secrete करता है, मतलब sorry glucose को glycogen में जब change नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि insulin कम secrete हो रहा है, beta cells कम insulin यहाँ पे secrete हो रहा है, इस वजह से glucose glycogen में नहीं convert होता and diabetes mellitus इससे होता है. और डायबिटीज मेलाइटस के दो वजह से हो सकता है, या तो पैंक्रियास ड्यू टू फेल्योर ऑफ पैंक्रियास बिकॉज द लैंगरहैंस प्रेजेंट इन द पैंक्रियास. एंड या तो सेल्स ऑफ आवर बॉडी द डोंट रिस्पॉन्ड परफेक्टली टू द इंसुलिन. ओके, टू चेंज द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. So this is the introduction of the diabetes mellitus. Now I'm going to tell you about the symptoms of the diabetes mellitus. Symptoms.
increase hunger, increase thirst, okay, and frequent urination. These all are the symptoms of the diabetes mellitus: increased hunger, increased thirst, and frequent urination. Okay, now the types of diabetes mellitus. डायबिटीज मेलाइटस तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट IDDM, इट मींस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. सेकेंड MIDDM, इट मींस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. थर्ड gastrointestinal diabetes mellitus. These are the types of the diabetes mellitus. What happens in the insulin dependent diabetes mellitus? Okay, तो ये diabetes आपकी due to the failure of pancreas. जब pancreas enough उसमें amount में insulin नहीं secrete कर पाता है, pancreas मतलब beta cells उसमें present होती है and वो enough अमाउंट पे इंसुलिन नहीं सिक्रेट कर पाती है, तो जब इंसुलिन नहीं सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कम कन्वर्ट होगा, एंड जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कम कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा. ओके, एंड जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और जिससे डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है. इसमें इंसुलिन पे डिपेंड है ये डायबिटीज मेलाइटस, ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है एंड ये टोटली आपके इंसुलिन पे डिपेंड है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. एंड सेकेंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इट मीन्स यहाँ पे तो इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है बट इन सम कंडीशन आवर बॉडी सेल्स ओके डोंट रिस्पॉन्ड परफेक्टली टू वर्क इंसुलिन प्रॉपरली. ओके, इट मीन्स कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं इंसुलिन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए. इसमें इंसुलिन तो है, सिक्रेट हो रहा है बीटा सेल से, बीटा सेल्स आपके पैंक्रियाज में प्रेजेंट होता है एंड वहां से सिक्रेट हो रहा है बट वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. मतलब ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है बट फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स फेल है, उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है. ओके, तो ये इसमें ये कैसे होता है, किसे होता है, मेनली जो फिजिकली इनएक्टिव है एंड ओल्ड एज में, और आपका जो डाइट उनकी सही नहीं है, वेल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, बीपी हाई है, तो इसमें ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है. एंड थर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेग्नेंट वुमेन में होता है मेनली. ये उसमें होता है जब, कब होता है, जब उनका शुगर लेवल हाई होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का ग्लूकोज लेवल हाई होता है बॉडी में, तो ये उनमें होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस.
So introduction, symptoms and types has been finished. Now causes. Okay, so diabetes mellitus se kya cheeze ho sakti hai, jaise ki diabetes mellitus means sugar level aapka badh jaye to isse kya ho sakta hai. उसके पहले मैं आपको इसे डायग्नोस, व्हाट इज डायग्नोस कैसे करते हैं तो वो मैं बताता हूं. डायग्नोसिस. ओके, तो डायग्नोसिस में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि शुगर लेवल इन ब्लड, वो कितना होता है. हंड्रेड एमजी पर डेयर. ओके, एंड जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें 120 एमजी पर डेयर. नॉर्मल पर्सन, डायबिटिक पर्सन अप्रॉक्स 120 एमजी पर डेयर. एंड जब 140 एमजी पर डेयर से ज्यादा हो जाए, 140 एमजी पर डीएल से ज्यादा हो जाए शुगर लेवल इन ब्लड, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हाई, मतलब कि हाई शुगर लेवल हो जाएगा. एंड उसकी डायबिटीज मेलिटस, वो उसका जो लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है. सो जब ये ग्रेटर हो जाता है, 140 एमजी पर डीएल से ज्यादा हो जाता है, तब ये कंडीशन होती है. ओके, देन कॉजेस. कॉजेस ऑफ डायबिटीज मेलिटस. कॉजेस, ये अल्सर क्रिएट कर सकता है, पैर में फीट अल्सर बोलते हैं, पैर में आपके अल्सर क्रिएट कर सकता है. एंड जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग एंड आपको डिजीनेस, और इससे आप जो है नर्व्स हमारी इंजर्ड हो सकती हैं. नर्व्स कंप्रेस नहीं कह सकते, बट नर्व्स इंजर्ड हो सकती हैं. ये अगर शुगर जाके जहां पे स्टोर हुआ तो आई को आपके, जैसे कि रेटिना, वहां की वेजल्स को जब ये जाके वहां पे अटैक करता है, रेटिना पे आपके जाके अटैक करता है, इट मीन्स वहां पे जाके अकुमुलेट होने लगता है शुगर, तो वहां पे की जो वेजल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं. क्या कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी. ओके, और जब नर्व्स को नर्व्स इंजरी होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो इस तरह से इसके कॉजेस हैं. ये अल्सर क्रिएट कर सकता है, नर्व्स और आई, ईयर, इन सबको ये इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है. नाउ ट्रीटमेंट. What is the treatments of the diabetes mellitus? So diabetes mellitus में आप exercise regular करना चाहिए, and we should do exercise regularly and yoga regularly, and हमें doctor से weekly checkup भी कराना चाहिए, and हमें per day glucometer से अपने glucose को, it means sugar level को, हमारे body में sugar level क्या है, normal है, high है, low है, उसको हमें चेक करना चाहिए. एंड यहाँ पे जो भी हम फूड ले, अगर आप हाइपरग्लाइसेमिक हैं या हाइपोग्लाइसेमिक, आई वांट टू टेल यू वन थिंग इज दैट हाइपरग्लाइसेमिक एंड सेकेंड is hypoglycemic. What is the hyperglycemic and hypoglycemic? Okay, hyperglycemic when individual, okay, जब person, जो भी person है उसका sugar level high हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, hyperglycemic. And जब sugar level low हो जाता है normal sugar level से, तो उसमें क्या हो जाता है, उसे hypoglycemic कहते हैं. और अगर person hyperglycemic है तो उसको क्या दिया जाएगा, इट मीन शुगर लेवल हाई है, मतलब ग्लूकोज ज्यादा है. अगर ग्लूकोज
ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, हमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, यही इसका ट्रीटमेंट है। इट मीन्स इंसुलिन की जरूरत है, एंड इंसुलिन अगर बॉडी से नहीं सिक्रीट हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है, हमारी बॉडी की सेल्स उसे नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें इंसुलिन इंजेक्शन देना मस्ट हो जाएगा, इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा। ओके, जो कि इंसुलिन इंजेक्शन क्या करता है, ग्लूकोज को फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ये तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। अगर हाइपोग्लाइसेमिक है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे जो है ग्लूकोज टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, एंड एप्पल के और ग्रेप्स इन सबके जूस पीने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जिससे कि उसका वो चीजें उन्हें लेनी पड़ेंगे अपने फूड में, जिससे कि उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। ठीक है, एंड जो डायबिटीज मेलिटस का ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बताया, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड जो फूड लेते हैं वो शुगर फ्री फ्रूट हमें फूड लेने चाहिए, शुगर फ्री जूस लेने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो आपका ये टोटली था डायबिटीज मेलिटस, इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, टाइप्स, ओके, ट्रीटमेंट्स एंड कॉजेस। थैंक यू।